देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर इलाके की दर्जनों पंचायतों ने लोगों की नस्ब टटोलने वाला हरिपुर अस्पताल खुद अस्वस्थ है। टूटी फूटी बिल्डिंग और आवासीय परिसरों की दयनीय हालत इस बात की गवाही दे रही है। इस अस्पताल में 108 एम्बुलेंस भी नहीं है, जिसके चलते यहां से बड़े संस्थानों में रेफर होने वाले मरीजों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हरिपुर सीएचसी अस्पताल में ना तो ब्लड टेस्ट करने के लिए कोई भी आधुनिक लैब है और ना ही लैब टेक्नीशियन है। मरीजों को ब्लड टेस्ट जांच भी बाहर से करवानी पड़ रही है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 4 डॉक्टर हरिपुर सीएचसी अस्पताल को भी मिले थे, लेकिन उनमें से एक भी डॉक्टर ने यहां ज्वाइन नहीं किया। इस समय ये अस्पताल मात्र एक डॉक्टर के सहारे चल रहा है। वहीं अन्य महिला डॉक्टर की ड्यूटी भी किसी अन्य अस्पताल में डेप्यूटेशन सरकार द्वारा लगा दी गई है। इस बारे में सीएमओ धर्मशाला डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने माना कि चला है और काफ़ी पंचायतों का भार अस्पताल पे है, तो क्या कहेंगे? आज हरिपुर अस्पताल की जो हालात थे वो जब मैं विधायक बना उससे पहले से बहुत ख़राब हालत थी, और कई वर्षों से पिछले कई वर्षों से एक ही डॉक्टर है वहाँ, और उस डॉक्टर की भी कई लोगों ने कंप्लेंटें कर करके जो डॉक्टर बजाज है उनको ट्रांसफ़र करा दी, और ये स्थिति आ गई कि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बचा। हमने 4 डॉक्टरों की पोस्टिंग कराई हरिपुर सीएचसी के लिए, मगर कोई डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया। फिर डॉक्टर बजाज जी जो है जो बहुत अच्छे कार्य करते थे, काफ़ी आसपास के पंचायतें जो थी यहाँ पहुँची और उनकी फिर दोबारा यहाँ ट्रांसफ़र हुई हरिपुर, और अब जो ओपीडी 5 से 10 की रह गई थी आज फिर ओपीडी जो है 50 से 60-100 तक पहुंच गई है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिन डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया उन डॉक्टरों को भी नोटिस दिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ ज्वाइन करें। और एक खुशखबरी बता दूँ कि सीएससी बिल्डिंग का कार्य जो कई वर्षों से बंद पड़ा था वो भी शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश है कि 1-1.5 साल के भीतर ये भवन जो है 25 बेड का अस्पताल का जो भवन है ये तुरंत तैयार हो जाए और सारी फैसिलिटीज लोगों तक पहुंचे।